क्रिकेट के मैदान पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। कई बार ऐसे नजारे भी देखने को मिलते हैं जिन पर आंखों को भरोसा नहीं होता। ऐसी ही एक घटना वेस्टइंडीज में चल रही त्रिनिदाद T10 लीग के दौरान घटी। T10 लीग में इस समय वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन का बल्ला जमकर आग उगल रहा है। इस लीग में पूरन केवल 37 गेंदों पर शानदार शतक भी जड़ चुके हैं। त्रिनिदाद T10 लीग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे दर्शकों की सांसें थम गई। दरअसल निकोलस पूरन इस T20 लीग में लेदर बैक जायंट्स की टीम से खेल रहे हैं। टूर्नामेंट का 26वां मुकाबला स्टेपन स्ट्राइकर्स और लेदर बैक जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में पूरन ने 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन बनाए। निकोलस पूरन की यातीर्षी पारी के बदौलत उनकी टीम 12 रनों से मैच जीतने में सफल रही। हालांकि इस दौरान उनके एक छक्के को रोकने के चक्कर में स्टेपन स्ट्राइकर्स के दो फील्डर्स आपस में टकरा गए। यह घटना 8वें ओवर की 3री गेंद पर घटी। निकोलस पूरन ने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच एक बड़ा शॉट खेला और दोनों फील्डर्स को गेंद पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा। गेंद पकड़ना तो दूर की बात है, दोनों खिलाड़ी आपस में इतनी जोर से टकराए कि सबकी सांसें ठहर गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ये साफ दिखता है कि दोनों फील्डर्स बाउंड्री पर टकराने के बाद बुरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। इस दौरान दूसरे फील्डर को दर्द से कराहते भी देखा जा सकता है। हालांकि खेल के दौरान ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी इस नजारे को जिसने भी देखा वो सिहर गया। अच्छी बात यह रही कि दोनों खिलाड़ियों में से किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।